ये देखें जी, एक छोटा सा डॉग का बच्चा मैंने देखा, मैंने कहा इसको दूर डाल देते हैं। ये लो वे भागो ना, ये लो दूध पियो। वो भाग ही गया, इसको दोबारा इधर से लेके आते हैं ताकि ये दूध पिए। आजो आजो आजो, ओए ओए भाग गया भाग गया वो, उसके लिए मैंने दूध डाला, भाग गया वो। इसको कैसे पकड़े, इसका कोई साथ लगाते हैं। ओए 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 ना कर, इस भाई साहब ने भगा दिया उसको और उसके पीछे पड़ पड़ के वो बेचारा भाग गया। बच्चों के हालात चेक करें जी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। सबसे पहले हमेशा की तरह हम चलते हैं अपने डेजी के पास। समी डेजी को ओपन करो और साथ ही इसको जो है वो खाना डालते हैं। तो ये देखें जी, आज डेजी के लिए स्पेशल जो है वो बॉयल चिकन लेके आए हैं हम लोग। और इसको जो है पहले दूसरा चिकन डालते थे, लेकिन अब जो है आज बॉयल किया हुआ चिकन, तो वो इसको डालेंगे। ज़रा इसकी सेहत के लिए भी अच्छा है ये। ये लो डालो इसको। हाँ जी डेजी, मज़े से खाओ, आज आपके लिए स्पेशल रेसिपी तैयार की हुई है हमने। असल में जो चिकन दूसरा होता है ना, अगर वो हम इनको खिलाएं ना, तो इससे इनका पेट में ना गड़बड़ी हो सकती है। तो इसलिए इसको ना हमेशा बॉयल ही करके देना चाहिए। लेकिन हम भी डेली बेसिस पे तो बॉयल नहीं करते, लेकिन कभी कभार जो है वो कर लेना चाहिए बॉयल। खाओ, ये मुझे लगता है कोई 50 मिनट लगाएगा खाते खाते, तो उससे पहले कि ये ज़्यादा देर लगाए हम चलते हैं बकरियों की तरफ। ये देखें जी, माशाल्लाह बच्चों को ओपन कर दिया है और देखें जी खूबसूरत बच्चे हैं दोनों। माँ के साथ जो इसकी मामा जो खा रही है, वो खाने की ये कोशिश तो करते हैं, लेकिन ये जो है वो खा नहीं पाते, सिर्फ ये दूध पीते हैं। वे समी, इनको दूध पिलाओ। समी इनकी हेल्प करवाएगा इनको फीड करने में, क्योंकि ये छोटे हैं ना अभी, तो खुद नहीं पी सकते। ये जो एक जो बकरा है ना, वो तो खुद पी लेता है, लेकिन जो दूसरा है ना, उसको ज़रा खुद हाथ से पिलाना पड़ता है। दोनों पी रहे हैं, दिखाओ। माशाल्लाह प्यारे से ये। और सबसे अच्छी जो चीज़ है कि धूप निकली हुई है, तो हमें ये टेंशन नहीं है सर्दी की, वरना सर्दी में इनको बहुत ख्याल करना पड़ता है। और इसी वजह से इनकी माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ हो रही है दोनों की। चलें जी, ये देखें जी, अभी तक शहज़ादा हमारा खा रहा है और ये इसने इसी तरह खाते रहना है। ये देखें जी माशाल्लाह, भाग रहे हैं बच्चे वो देखें। ओए 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 ओए, तो ये देखें स्प्रिंग लग गए हैं इनको। आ जाओ इधर आओ। ओए माँ अब मुझे लगता है फीड नहीं करवाना चाह रही। अच्छा किया, फुल हो गया बाद में। हाँ ये ज़्यादा भी हम इसको फीड नहीं करवा सकते, क्योंकि ये जो बाद में इनको जो है वो समझ सकते हैं आप, ठीक है, पेट ख़राब हो सकता है इनका, तो इसी वजह से जो है वो। अब हम चलते हैं बजिज़ की तरफ, ऑस्ट्रेलियन तोतों की तरफ। चलें जी, मैं आ गया हूँ तोतों के पास। ऑस्ट्रेलियन तोते बजिज़ हैं हमारे पास कुछ, और कुछ दूसरे हैं। ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर है, बहुत ही खूबसूरत है। इन्होंने पता नहीं अंडे दिए हैं कि नहीं, देखने थे यार अंडे दिए हैं कि नहीं। नहीं दिए अभी इन्होंने, अंडे नहीं दिए, ये पता नहीं कब अंडे देंगे। और इनके नीचे ही कबूतर भी हैं, सो इनको भी यहाँ निकालो बाहर। और इसके भी अंडे तकरीबन 12-13 दिन के तो अंडे हो चुके हैं कबूतरी के भी, दोनों के। तो अब ये ना उठने का नाम नहीं ले रहे बैठे हुए, निकालो यार इनको बाहर। चलें इनको पानी भी डालते हैं साथ, और ये बाहर भी आ गए हैं, पानी डालो यार। और ये दाना, और साथ ही दाना भी डाल दो यार इनको, अंदर ही डालो ताकि खाए बाहर में ना, क्योंकि बाहर ये देखे ना ये भी हैं, तो बाहर ये मिक्सअप हो जाता है इन सब का, इन सब के साथ जो है वो इन चीज़ों का ना मिक्सअप हो जाता है, तो ये ना ये अच्छी तरीके से खा पाते हैं या ना यही खा पाते हैं। सही है, चलो ठीक है, अच्छा किया इसको यहाँ पर डाल दिया और इनको जो है वो यहाँ पर डाल दिया, तो माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं। और वो देखें पानी पीना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगती है बतखों की, वो यही है कि पानी के साथ बड़ा इन्जॉय करते हैं ये लोग। क्या हो गया भाई, ये तो बड़े खुश हो गए हैं। वाह जी वाह, पड़ों को फैला रहे हैं जी।
डक्स का अंडा देखने के लिए मैं जाने लगा था, तो भाई कह रहा है कि उसने ना सुबह सुबह अंडा दे दिया था और इन्होंने सुबह जो था वो अंडा उठा भी लिया था। तो माशाल्लाह जो बत्तखें हैं वो डेली बेसिस के एग्स दे रही हैं, तो मुझे लग रहा था कि शायद ये एग्स नहीं दे रही, लेकिन वो दे रही हैं। तो जैसे ये तो कोई 21 हो जाएंगे तो फिर हम इनको जो बत्तखें हैं उनको उसके ऊपर बैठा देंगे और फिर वहाँ से जो है वो बच्चे निकलेंगे। ये देखिए जी कितना माशाल्लाह प्यारा लग रहा है, मैंने कहा इसको उठाओ गोद में तो बड़ा खूबसूरत लगता है। इसको ज़रा दूसरी साइड ना, जैसा उस दिन पकड़ा हुआ था, बड़ा प्यारा लग रहा था ये। हाँ इस तरह, ये देखें जी हफ्ते का हो गया वो लगा हुआ है समी, अभी भी दूध पीने। उसको हटाओ ज़रा, ये अच्छा बच्चा जो है वो लगा हुआ है दूध पीने। वो किधर गया डेजी? डेजी को जी अंदर कर दिया है बंद। चलें अब चलते हैं हम खरगोशों की तरफ, ठीक है? ओ प्यारे खरगोश, ये भी हमारा प्यारा खरगोश ही है। इसका नाम रखेंगे नेक्स्ट जो है ना, इसका नाम रखते हैं कोई। सो ये देखें जी हमारे खरगोश, और इनको जो है वो भी चारा डालते हैं। तो इन्होंने माशाल्लाह बच्चे दिए हैं, और इस वक्त जो है वो दूसरा रैबिट अंदर ही है। तो ये भी कुछ दिनों तक जो है वो रैबिट्स इनके भी बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी आजकल तो नहीं आ रहे बाहर, तो ये ले चारा डाल दिया इनको। ये चारा अपना अंदर भी लेके जाते हैं, अंदर भी समय लेके जाते हैं चारा अपना ये। चलो वो देखें जी आ गई है। ये खरगोश नहीं थी, खरगोश है? खरगोश, ये खरगोश है? खरगोश ही है, खरगोश नहीं ये वाली है, और वो खरगोश है। तो वो अभी अपने बच्चों के पास से ही आया। सो चलें अभी इसी के साथ करते हैं हम आज का अपना व्लॉग का इख्तिताम, और ये जो है वो अपना एंजॉय एंजॉय कर लें सारे। तो मिलते हैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।